सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम आज इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर है, उसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले उसका ड्राइंग और उसकी ड्राइंग के बारे में आपको अंडरस्टैंड पूरा का पूरा करवा दूंगा दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो वर्बली वन बाय वन पॉइंट दिखाऊंगा वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। मैं एक बार सब पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा, उसके बाद आपको उसको नोट डाउन करना रहेगा, उसकी साइज वगैरह रहेगी, जो मैं आपको यहाँ पे वर्बली थोड़ा थोड़ा गाइड कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, तो आप वहां से उसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास यहाँ पे है ये मेटल ट्रफ, जो ये मेटल ट्रफ है यहाँ पे उसको यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। ये मेटल ट्रफ है पूरा, यहाँ पे जो अपना सरफेस होता है ना, जो मेन एब्जॉर्बर होता है, जो मेन सेंसर एब्जॉर्बर बोलते हैं, जो यहाँ पे सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, उसकी यहाँ पे उसको रखने के लिए यहाँ पे मेटल ट्रफ को यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो ये जो मेटल ट्रफ होता है ना दोस्तों, उसको किस चीज से बनाया जाता है। तो मेटल ट्रफ को यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एल्यूमिनियम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिव सरफेस आ जाएगी। ये मेटल ट्रफ है, उसके अंदर यहाँ पे अंदर की जो साइड होती है ना वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वो किससे बनती है दोस्तों? रिफ्लेक्टिव सरफेस का काम है यहाँ पे जो सूर्य की किरणें वहां पे आई होगी उसको वहां पे खुद के पास आने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करना, यानी कि वापस भेजना। लेकिन वो वापस किस तरह से भेजी जाएगी, तो उसका शेप यहाँ पे मेटल ट्रफ का इस तरह बनाया जाएगा कि एक जगह पे जाके वो इकट्ठा होगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसको यहाँ पे अंदर की साइड वो पॉलिश की हुई एल्यूमिनियम की या फिर यहाँ पे सिल्वर ग्लास या फिर एल्यूमिनियम प्लास्टिक की फिल्म से रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाई जाएगी दोस्तों, ठीक है, वो याद रखिएगा। मैं ऑलरेडी पॉइंट में भी उसको आपको नोट डाउन करके बता दूंगा दोस्तों। अब ये अपने पास आ गया मेन पार्ट, जो यहाँ पे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों। तो ये जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाला है इसको बोलते हैं हम सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बर। ये जो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बर है वो यहाँ पे मेटल ट्रफ के ऊपर रखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे मैं मार्कर के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करवाता हूँ। अपने पास देखो ये रेड वाला मार्कर आ गया। अब मान लो कि सूर्य की किरण यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गई, तो ये हो गई अपने सरफेस में, रिफ्लेक्टिव सरफेस में आ गई। अब वो यहाँ पे सोलर एब्जॉर्बर के ऊपर नहीं गई है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर आई है। अब रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या करेगा, यहाँ तक किरणें आई, अब इस किरण को रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, वापस भेजेगा यहाँ पे एब्जॉर्बर के ऊपर। अब ये एब्जॉर्बर के ऊपर आ गई, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्बर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके फिर आगे के प्रोसेस होगी। अब क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोल्ड फ्लूड इन आ गया, फ्लूड की जगह पे मैं यहाँ पे वाटर बोलूंगा दोस्तों, ताकि हमें आसानी से इसको समझ में आए। कोल्ड फ्लूड यानी कि ठंडा पानी, मान लो कि ठंडा पानी यहाँ से अंदर गया। अब ये पानी अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, तो ये आ गया अब एब्जॉर्बर के कॉन्टेक्ट में। ये एब्जॉर्बर सपाटी के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, यहां से एक तो ये रिफ्लेक्ट होकर किरणें डायरेक्ट यहाँ पे आई थी, वो डायरेक्ट भी किरणें आती है, तो ये जो ये स्टील का बना होगा, ये स्टील का बनेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ज्यादा हीट हो जाएगा, ये खुद हीट हो जाएगा। तो अब ये पानी अंदर आएगा तो ठंडा पानी अंदर आएगा, ये स्टील के सरफेस में आएगा, स्टील ऑलरेडी गर्म है और ये यहाँ पे पानी ठंडा है, तो अब ये ठंडे पानी को यहाँ पे ये स्टील गर्म कर देगा। अब गर्म करेगा तो ये पानी यहां से जाएगा जाएगा जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा ना, तो ये पानी यहाँ पे हो जाएगा हॉट फ्लूड आउट, यानी कि यहां से गर्म पानी बाहर निकलेगा, ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। यहां से देखिए ये मेटल ट्रफ है, ये मेटल ट्रफ मान लो कि यहाँ पे स्टैंड समझ लो, मेटल ट्रफ यानी कि स्टैंड, ये एक स्टैंड हो गया। अब ये स्टैंड के ऊपर हमने ये एब्जॉर्बर रख दिया, ये एब्जॉर्बर बना होगा स्टील से, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो एल्यूमिनियम वगैरह सल पॉलिश की एल्यूमिनियम वगैरह से बनी होगी, ताकि इसको जल्द से जल्द यहाँ पे, आपको भी पता है हम खाना पैक करवाने के लिए जाते हैं तो खाना पैक करवाते हैं ना पार्सल, तो उसको एल्यूमिनियम फॉइल में डाल के देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि वो जल्द से ठंडा ना हो जाए इसलिए। तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या करता है, वो मतलब एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उसको यहाँ पे कंट्रोल करके रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रिफ्लेक्टर है, उसकी सपाटी को यहाँ पे एल्यूमिनियम पॉलिश किया होगा, अब ये यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा गर्म, एब्जॉर्बर है उसका काम एक तो सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब भी करेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आया उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, पानी अंदर से आएगा ठंडा तो यहाँ से ये गर्म पानी निकलेगा। तो इस तरह से ये पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर यहाँ पे काम करता है दोस्तों।
अब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला पॉइंट आ गया, पैराबोलिक दिस यूज ट्रफ 3 to 5 m लॉन्ग एंड 1.3 to 2.4 m वाइड एज अ रिफ्लेक्टर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसका यहाँ पे लंबाई 3 से लेके 5 मीटर, पहुंचाई की बात करें तो 1.3 से लेके 2.4 मीटर तक रहती है दोस्तों। अब आगे बात करें हम यहाँ पे, दिस द इनर सरफेस इन इज हेल्ड एज अ फिल्म रिफ्लेक्टर सरफेस ऑफ पॉलिश एल्यूमिनियम और सिल्वर ग्लास और एल्यूमिनियम प्लास्टिक। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो अंदर की सरफेस है रिफ्लेक्टर की, वो यहाँ पे एल्यूमिनियम की पॉलिश एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर ग्लास की बनी होगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सोलर रेडिएशन एज अ ट्रीटेड सरफेस स्टील पाइप और पाइप इनसाइड। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है उसको यहाँ पे स्टील पाइप से बनाया होगा और इसके बाद में अंदर की जो दो दो पाइप रखी होगी, तो दोनों पाइप में से क्या होगा दोस्तों, एक साइड से इन एक साइड से आउट होगा। स्टील के बने हुए पाइप में हम ठंडा पानी डालेंगे और गर्मी में रख देंगे धूप में, तो ऑलरेडी ऑफकोर्स ये गर्म होगा और आउटपुट पानी हमें गर्म ही मिलेगा दोस्तों, आपको भी पता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो उसका यहाँ पे वो पाइप को थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि यहाँ पे नेट वेलोसिटी उसकी इंक्रीज वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाए और यहाँ पे हीट ट्रांसफर भी ज्यादा मिल जाए। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि ये पाइप एब्जॉर्बर है उसको यहाँ पे हाउस होल्ड जैकेट प्रिवेंट टू कन्वर्ट आवर रेडिएशन ग्लोव्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पाइप के अंदर से यहाँ पे जो इसको इस तरह ग्लास जैकेट चढ़ाया जाता है ताकि यहाँ पे रेडिएशन लॉस ना हो। इसलिए वैक्यूम इज समटाइम जनरेटेड इन द स्पेस बिटवीन द जैकेट एंड द एब्जॉर्बर टू रिड्यूस द कनेक्शन लॉस। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसको कवर किया जाता है और जीरो वैक्यूम में रखा जाता है ताकि यहाँ पे हीट लॉस ना हो पाए। द डायमीटर ऑफ द एब्जॉर्बर पाइप 30 mm, 30 mm और डायमीटर ऑफ जैकेट 50 mm, 30 से लेके 50 mm तक का इसका डायमीटर होता है, 30 mm होता है एब्जॉर्बर का, 50 mm होता है जैकेट का। अब आगे बात करें तो पाइप प्लेस्ड ऑन अ सेंटर कंसर्ट सरफेस थ्रू। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पाइप होता है उसको यहाँ पे सरफेस में रखा जाता है। अब आगे बात करें तो सेंट रेडिएशन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव सरफेस एंड ट्रफ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एब्जॉर्बर पाइप। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है उसको यहाँ पे एब्जॉर्बर के ऊपर फोकस किया जाता है दोस्तों। द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर फ्लूड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। दोस्तों यहाँ पे मान लो कि हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो सेम टू सेम वीडियो आपको गुजरात लैंग्वेज में थोड़ी देर में अपडेट होकर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल नंदा सारथी को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। अगर आपका कोई सुझाव है या कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके कर सकते हो। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।